तो ये है गीगाबाइट G5K एक गेमिंग लैपटॉप। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या स्पेक्स के साथ ये लैपटॉप आता है और क्या इसका परफॉर्मेंस है, आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लैरियन कंप्यूटर्स। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने पसंद है गेमिंग लैपटॉप्स एंड पीसीज के ऊपर, चैनल को करना सब्सक्राइब और साथ ज्यादा दबाना बेल आइकन को, ताकि आपको मिल जाए हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो देखो यार, इस लैपटॉप को जो अनबॉक्सिंग है बहुत ज्यादा सिंपल था। इसके अंदर आपको एक 180 वॉट का एडाप्टर मिल जाता है और आपका लैपटॉप मिल जाता है, तो इसीलिए हमने उस पार्ट को स्किप कर दिया। ठीक है, सीधा हम बढ़ते हैं लैपटॉप के ऊपर। सबसे पहले इस लैपटॉप के थोड़े से ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है एक 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ जाता है। एंड जो इस डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वेबकैम विद माइक्रोफोन्स, एंड साथ ही साथ मिल जाता है आपको यहाँ पे एक टच पैड, साथ ही साथ एक फुल साइज कीबोर्ड जिसके अंदर आपको नम पैड देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल जो स्क्रीन का क्वालिटी है वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, बट कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा अगर अच्छा होता है इससे तो और ज्यादा बढ़िया होता। अगर हम बात करते हैं इस लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो टॉप लेट फ्लेक्स है वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, एंड जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा फील नहीं होता। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस लैपटॉप के वेट के बारे में, ये लैपटॉप लगभग 2 किलो के आसपास है, 1.99 kg इसका वेट है। और सच बताएं तो गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और ये जो लैपटॉप है ये आता है एक बैकलेट कीबोर्ड के साथ में। इस कीबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे एक बारी में एक ही कलर देखने के लिए मिलेगा, मतलब जो पूरा का पूरा जोन है वो यहाँ पे सिंगल कलर में फिक्स्ड है। मतलब एक बारी में आपका रेड जलेगा, एक बारी में आपका ब्लू जलेगा। टोटल आपको यहाँ पे 15 कलर्स मिल जाते हैं, जिनको कि आप एक एक करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर से लगा सकते हो। और ये एक गेमिंग लैपटॉप है, तो इसके अंदर आपको छोटे मोटे डिटेल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेमिंग सीरीज। और साथ ही साथ लिड के आसपास आपको यहाँ पे छोटे मोटे ऐसे ट्रायंगल्स दिख जाएंगे, जो कि इस लैपटॉप को थोड़ा सा अच्छा लुक भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बॉटम साइड के बारे में, यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा लाइक कटआउट देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ से आपका जो एयर है वो अंदर की तरफ सक होता है। और आपके यहाँ पे मिल जाता है टोटल 5 हीट पाइप्स, और दोनों साइड में 2 फैंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको 59 डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस लैपटॉप के अंदर आपको टोटल 4 फैंस देखने के लिए मिलते हैं, 2 पीछे के साइड एंड 2 राइट एंड लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो होप करते हैं इसका जो कूलिंग परफॉर्मेंस वो अच्छा होगा। अब वीडियो के अंदर हम आगे देखते हैं कि ये जो लैपटॉप है गेमिंग के दौरान और थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी वर्कलोड के अंदर कैसा थर्मल परफॉर्मेंस हमें ऑफर करता है। इस लैपटॉप के लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है 2-in-1 हेडफोन प्लस माइक का 3.5 mm का पोर्ट और एक डेडिकेटेड माइक का 3.5 mm का पोर्ट। और साथ ही में देखने के लिए मिल जाता है एक USB 2.0 का पोर्ट, और साथ ही साथ देखने के लिए मिल जाता है कि USB 3.2 Gen 1 का टाइप ए पोर्ट। अगर हम बात करते हैं इसके राइट साइड के बारे में, आपको यहाँ पे एक मिल जाता है माइक्रो SD कार्ड रीडर, साथ ही साथ मिल जाता है एक थंडरबोल्ट 4 टाइप सी पोर्ट, और साथ ही साथ मिल जाता है यहाँ पे RJ45 आपका ईथरनेट कनेक्ट करने के लिए। और इसके पीछे के साइड में आपको मिल जाता है कि USB 3.2 Gen 2 का टाइप सी पोर्ट, और साथ ही साथ एक HDMI 2.1 जो कि यहाँ पे HDCP के साथ आ जाता है, और यहाँ पे एक चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के स्पेक्स के बारे में। इसके अंदर आपको मिल जाता है इंटेल का कोर i5-12500H, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस CPU है, एंड गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी वर्कलोड के हिसाब से काफी अच्छा CPU है। इसके अंदर आपको 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड देखने के लिए मिल जाते हैं। और ग्राफिक कार्ड के अंदर यहाँ पे मिल जाते हैं NVIDIA का GeForce RTX 3060, जिसका कि मैक्सिमम TGP है 115 वॉट। इसके अंदर आपको NVIDIA का Max-Q टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर आपका लाइक बैटरी बूस्ट 2.2 एंड भूल गया मैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर मिल जाता है 16 GB का रैम, जो कि ड्यूअल चैनल रैम है, और इसके अंदर आपको मिल जाता है 500 GB का SSD। और स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे बाद में जाकर स्टोरेज को अपग्रेड भी कर पाओगे। इसके अंदर आपको एक PCIe 3.2 का स्लॉट मिलता है एंड एक PCIe 4.2 का स्लॉट मिलता है। आपका जो SSD है बाय डिफॉल्ट इसके अंदर PCIe 4.2 स्लॉट के अंदर लगा हुआ होता है। और अगर हम बात करते हैं एडिशनल फीचर्स के बारे में, इसके अंदर आपको मिल जाता है ब्लूटूथ 5.2 एंड वाईफाई 6, जो कि 1 Gbps आपको वायरलेसली स्पीड ऑफर कर सकता है, करवा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको दोनों साइड में 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि 2 वाट के स्पीकर्स हैं, एंड आगे वीडियो के अंदर हम लोग टेस्ट करने वाले हैं इसका जो साउंड क्वालिटी है वो ओवरऑल कैसा है। और यह है इस लैपटॉप का वेबकैम क्वालिटी। तो अगर आप मीटिंग्स वगैरह में लाइक इस लैपटॉप पे यूज़ करते हो, या फिर स्कूल या फिर कॉलेज में लाइक
क्लासेस में यूज़ करते हो तो इसके माइक एंड इसके कैमरे से कुछ ऐसा क्वालिटी निकल के आता है। तो ये थे इस लैपटॉप के स्पेक्स, अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ये लैपटॉप ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस देता है गेमिंग के अंदर। सो लेट्स गो। आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया होगा इस लैपटॉप का गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा था, इसका स्टोरेज का स्पीड कैसा था, थर्मल परफॉर्मेंस कैसा था। तो अगर आपको गेमिंग लैपटॉप या फिर पीसी कंपोनेंट्स काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस के ऊपर चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो जो कि www.clariancomputers.in, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऊपर दिए हुए नंबर के ऊपर। तो गाइज यही था आज का हमारा वीडियो गीगाबाइट G5 के एक ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली हमें बताएं कमेंट के अंदर, और ये लैपटॉप आपको कैसा लगा वो भी कमेंट के अंदर जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को करना सब्सक्राइब और साथ ही साथ दबाना बेल आइकन को। मिलते हैं आपको ऐसी एक और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।